वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेटेंट हीट। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट आर द कंटेंट्स गिवन इन दिस चैप्टर, ओके, एंड व्हाट आर एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, राइट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जनरली आप लोग से डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, राइट, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर हमने दो क्वेश्चन किया था, बराबर। सो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। दिस इज आवर टॉपिक नंबर वन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, बराबर, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज अबाउट लेटेंट हीट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लेटेंट हीट के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन, या फिर मैंने ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। सो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, एंड दैट क्वेश्चन वॉज अबाउट टेम्परेचर, ओके, एंड हीट के बारे में। मैंने आप लोग से बोला था कि जो भी हीट है और टेम्परेचर है, राइट, जो भी हीट और टेम्परेचर है, दे बोथ आर डिफरेंट। सिंपल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोल दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि हीट एंड टेम्परेचर दे बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ना बोलोगे सर दोनों अलग अलग कैसे हुए, बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि जस्ट इमेजिन थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग कि देर इज़ अ रूम, या फिर रूम नहीं, एक पूरा बोल देते हैं, दिस इज़ द होल फ्लैट जिधर आप रहते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लैट है। बड़ा बेसिक सा चीज़ है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ योर लिविंग रूम, ठीक है, दिस इज़ योर किचन, राइट, ये आपका किचन है, बराबर है, ठीक है। दिस वन इज़ बेडरूम, बेडरूम हमेशा कोने में ही होता है तो उसको कोने में ही लिख दिया, ठीक है। एंड ये रेस्ट का बाकी सब जो जिसको बोल सकते हो बाथरूम एंड ऑल एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप लिविंग रूम में एंट्री करोगे, जब आप बेडरूम में एंट्री करोगे और जब आप किचन में एंट्री करोगे, फॉरगेट अबाउट द बाथरूम एंड ऑल। सो जैसे ही आप इन जगह पे एंट्री करोगे तो आपको ना अलग अलग गर्मी फील होगा, राइट, अलग टेम्परेचर फील होगा, सिंपल है, ठीक है। बट हीट और टेम्परेचर, इससे मैं ये आपको बताने वाला हूँ हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। सो जब कभी भी हम लोग लिविंग रूम में हैं तो अलग हीट हम लोग को मिलता है, अलग हीट फील होता है, जबकि किचन में जाएंगे तो खाना बनते रहता है तो ज़्यादा हीट फील होता है, ठीक है। बेडरूम में एकदम चिल्ड, क्योंकि एसी एंड ऑल सब चालू करके रखते हैं, कम हीट फील होता है, ठीक है। एंड बाथरूम एंड ऑल उसको तो हटा ही दो, ठीक है, उसमें पता नहीं कौन कौन सा हीट फील होता है, यू ऑल नो, मेरे से अच्छा जानते रहोगे आप लोग, ठीक है। सो अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का हीट एनर्जी अलग है, सिंपल, ठीक है। द हीट एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन लिविंग रूम इज डिफरेंट, पहला चीज। दूसरा, जो भी हीट एनर्जी प्रेजेंट है कहाँ पर, किचन में, दैट इज डिफरेंट, बराबर, और जो भी बेडरूम में है दैट इज डिफरेंट। मतलब हमने क्या किया है पता है, हीट जो है ये कहीं छोटे चीज़ पे बात करता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, एनर्जी किसी एक सिंगल बॉडी का, किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल का, समझ में आया। सो नाउ इधर लिख देता हूँ मैं, हीट किसके बारे में बात करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का एनर्जी, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करेगा, राइट, सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, बराबर, एक्सेट्रा, कोई भी चीज। हीट जो है ये बात करता है सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में, किसी एक बॉडी के बारे में, सिर्फ एक ही चीज से बात करेगा, हीट इज दैट। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हो जाता है इट इज एवरेज हीट, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज हीट ऑफ All the objects, right? All the objects, या फिर body, या फिर system, समझा। Now मेरे कहने का मतलब बहुत ही simple था, बड़ा basic था,
हीट जो है ये किसी एक चीज के बारे में बात करेगा, जबकि टेम्परेचर जो है ये किसके बारे में बात करेगा, सबके बारे में बात करेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूँ, इवन इफ यू आर इन क्लास और एट योर होम, ठीक है, या फिर इमेजिन जस्ट यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम जहां पर 40 बच्चे हैं। कितने क्लासरूम में हो, 40 बच्चे हैं उधर। सो जब आप 40 बच्चों के साथ हो, आपका हीट एनर्जी अलग है, आपके बाजू में जो बैठा है उसका हीट एनर्जी अलग है, उसके बाजू में जो है वो मोटा है उसका हीट एनर्जी अलग, बराबर। तो जितने भी हैं सबका हीट एनर्जी, सबका बॉडी का एनर्जी अलग है, सही है। सो जब सबका अलग अलग है तो जैसे टीचर एंट्री मारेगी तो उसको बोलेगा, अरे पापा यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। टीचर के मुँह से क्या निकला, टेम्परेचर क्यों निकला, बिकॉज टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज एनर्जी है, वो पूरे रूम में जितने भी अलग अलग लोगों का हीट एनर्जी प्रेजेंट है उन सब का एक मेजर चीज़ बन जाता है, सब मिक्स होके कोई एक टेम्परेचर बना लेते हैं, दैट इज नथिंग बट एवरेज टेम्परेचर या फिर एवरेज हीट, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। सो याद रखना, हीट जो है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का, सिंगल बॉडी का, ये इन सब के बारे में बात करेगा, जबकि टेम्परेचर जो है इट इज़ एवरेज, ठीक है। Now let's come to the topic which is about latent heat, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, latent heat के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो flat वाला जो concept था ये I think आप लोग को समझा रहेगा, ठीक है। इसमें मैं बता रहा था इसका heat energy अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन अगर पूरे room की मैं बात करूँ तो इसमें क्या present है, इसमें temperature present है। समझ में आया? पूरा जो room है उसका एक constant temperature होता है, जबकि आपको ये पता है कि इसका हीट एनर्जी अलग, इसका अलग, इसका अलग, ओके। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को हम लोग बोलते हैं इट इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट। सो इट इज़ नथिंग बट सिंपल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अभी क्या होता है इसमें, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो है, बट क्या ये हीट एनर्जी इधर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, सही है, मैं इसको ऐसे सर्कल बना देता हूँ। इट इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्ब्ड बोल सकते हो या फिर एमिट बोल सकते हो, समझ में आया। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एमिटेड, बराबर, टू चेंज इट्स स्टेट, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है, लेट मी यूज अनदर मार्कर, क्या होता है, आइदर एब्जॉर्ब होगा, आइदर एब्जॉर्ब होगा और एमिट होगा, बराबर, एब्जॉर्ब और एमिट टू चेंज इट्स स्टेट, ये भारी चीज है, टू चेंज इट्स स्टेट, सही है। इट इज नथिंग बट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि वो एब्जॉर्ब किया या फिर किसी को दे दिया अपना स्टेट चेंज करने के लिए, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे आइस है, क्या है, आइस, आइस को मैं फ्रिज के बाहर निकाल के रख दूँ तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो आइस अगर मेल्ट हुआ, ठीक है, तो उसने हीट एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब किया रहेगा, तो जब आइस ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उसने अपना क्या स्टेट चेंज कर दिया, सो दैट इज नथिंग बट लेटेंट हीट। समझ में आया? वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, स्टेट चेंज कर लिया ना इसने, अरे सॉलिड में था ना, सॉलिड क्यूब था, बाद में जब फ्रिज से बाहर रखा तो मेल्ट हो गया, वो पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चला गया, स्टेट चेंज हो गया, तो कुछ तो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, सो दैट उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया, सो दैट इज नथिंग बट लेटेंट हीट। अभी इसके दो टाइप्स हैं, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें याद रखना है मेजर चीज, लेटेंट हीट का मतलब आप लोग को समझ गया है, अरे है कि नहीं, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई ऑब्जेक्ट या एमिट करेगा अपना स्टेट चेंज करने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट। तो अभी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा, समझा, इजी एकदम। कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, so that it changes from solid to liquid or liquid to solid, so this is nothing but latent heat of fusion। समझ में आ रहा है, latent heat of fusion, क्या बोला इन्होंने, कोई भी object कितना heat energy absorb करेगा ताकि वो solid से liquid में चला जाए या फिर liquid से solid में, as simple as that, एकदम easy।
अभी इसका क्या है, अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये तो और भी सिंपल है, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिस्टम, कोई बॉडी, सो दैट वो लिक्विड से गैस में या फिर वेपर में चला जाए या फिर उसका उल्टा, है कि नहीं? एकदम सिंपल, अटेंशन ही नहीं है, बराबर ना? क्या ही बोलोगे इस टॉपिक के बारे में? इट्स जस्ट लाइक वेरी सिंपल थिंग, आपको आपके बुक में लेटेंट हीट का डेफिनेशन नहीं दिया है। सो मैंने क्या बोला, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, एज सिंपल एज दैट। सो जैसे आपने वो पता कर लिया, तो ये देखो लेटेंट हीट आ गया, पूरा डेफिनेशन उसका डाल दोगे इधर, जैसे उधर डाल दिया, फ्यूजन में क्या डालना है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आपके बुक में दिया है वैसे ही लिखना, बोल्ड लेटर्स में दिया है, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में ही है, आई मीन फिफ्थ चैप्टर के स्टार्टिंग ऑफ द पेज में ही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पेज पे रहेगा, आई होप सो। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू दैट एंड जस्ट रिमेंबर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द डेफिनेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का क्या याद रखना है, लिख देता हूँ इधर, इन दोनों भाई साहब का डेफिनेशन सही है। सो एंड करता हूँ मैं इधर ये पूरे लेक्चर में, आई होप कि आपको क्या चीज़ समझा रहेगा इस लेक्चर से, वो भी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। द फर्स्ट थिंग जो भी समझा रहेगा अबाउट हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पता चला रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज योर लेटेंट हीट, राइट, लेटेंट हीट क्या होता है ये भी आई होप कि आपको समझा रहेगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कमेंट चालू है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए सर ये नहीं समझा, है कि नहीं, या फिर इनमें से कुछ चीज डाउट है, बराबर, या फिर बुक में, तो बाकी का तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, एक लाइक तो बनता है, थैंक यू।